गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे हमने किए थे व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी शोन इन द बुक्स. जब हम जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, सारी एडजस्टमेंट वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और सब कर रहे हैं. अब ये क्वेश्चन एक बड़ा ही मैंने पिक किया है इसका मेन क्वेश्चन, जहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स. जो मतलब जहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, फिर भी उसका इफेक्ट जरूर दिखाएंगे हम. अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, अंशु अंजू एंड अनुपमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो आपको दे रखी है, बैलेंस शीट हमें दे रखी है इन्होंने. उसके बाद अंशु अंजू अनुपमा डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली फ्रॉम अप्रैल 2016. तो गुडविल आपको फर्म की 60,000 दे रखी है, ये एडजस्टमेंट दे रखी है. लैंड रिवैल्यू हुआ 3 लाख पे, बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. उसके बाद स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2,25,000. लैंड जो है वो रिवैल्यू होगा 3 लाख पे, बिल्डिंग और प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2,25,000. क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 2,000 वर नॉट लाइकली टू बी गेम्ड. अब ये सारी चीज़ें अब तक तो हम कहाँ डाल रहे थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलना है. प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस शीट बनानी है. पार्टनर्स डिसाइडेड दैट जर्नल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. ये जर्नल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में दे रखा है. अब तक हम क्या कर रहे थे, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, सारे पार्टनर्स में बांट देते थे इन देयर ओल्ड रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में. वेयर एज रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड. वो इसने हमें पहले ही बता दिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, तो रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड भी नहीं करना है, तो बैलेंस शीट में भी नहीं जाएंगी. अभी तक हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, साथ साथ जो भी उस असेट में इंक्रीज या डिक्रीज आया उसको साथ साथ बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते थे उसी चेंज्ड वैल्यू पे. बट अभी इन्होंने बोला है रिवैल्यूएशन और चेंज्ड वैल्यूज को नहीं दिखाना है. अब चेंज्ड वैल्यूज को अगर नहीं दिखाना है तो उस केस में जो भी आपके असेट्स या लाइबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ उसका इफेक्ट जो होगा, अभी हम बताते हैं कैसे, मैं बताती हूँ उसका कि इफेक्ट कैसे, उसका सिर्फ इफेक्ट रिकॉर्ड करना है. जो चेंजेस आएंगे, जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें वो चेंजेस नहीं दिखाई जाएंगे. अब देखो, अब पहले देखो, इन्होंने बोल रखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड. लैंड कितना है, 3 लाख हो गया है, पहले था 2 लाख का. तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, मैं ऐसे ही बना लूंगी क्योंकि अल्टीमेटली मुझे चाहिए कि जो असेट्स की वैल्यू में चेंज आया उसकी वजह से इफेक्ट क्या आएगा उसका. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड 1 लाख. क्रेडिटर्स आपके वो बोल रहे हैं 2,000 से कम हो गए हैं. वो क्रेडिटर्स जो आपको पहले देने थे वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, अब वो आपको नहीं देने हैं, हैंड शुड बी रिटर्न ऑफ, इसीलिए अब उनको राइट ऑफ करना है. क्रेडिटर्स 2,000 का ये भी फायदा हो गया आपको, ये दोनों प्लस की आइटम्स हो गई. साथ में वो बोल रहे हैं स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 2,25,000. अभी जो स्टॉक है वो कितने का है, 2,10,000 का है. 15,000 स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई. ये सारी की सारी हमने ले ली ये क्रेडिट वाली आइटम्स, जहाँ पे आपको फायदा हो रहा है, यहाँ भी फायदा हो रहा है, यहाँ भी फायदा हो रहा है और यहाँ भी फायदा हो रहा है. तीनों को प्लस कर लिया 1,17,000. उसमें से जो माइनस वाली आइटम्स हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना और प्लांट को डेप्रिशिएट करना है बाय 5%. बिल्डिंग और प्लांट को डेप्रिशिएट करना है 5% से, तो उनको वो माइनस कर देंगे. तो ये मेरा आया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट. ये मेरा क्या निकल कर आया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया. साथ में अभी तक हम क्या करते थे, फर्म की गुडविल दे रखी होती थी, उसमें हम सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालते थे और पार्टनर्स को कंपनसेट कर देते थे उस अमाउंट से. अब क्या करेंगे, एक तो फर्म की गुडविल लेंगे, साथ में जो प्रॉफिट आया है रिवैल्यूएशन का, क्योंकि गुडविल को भी हम ऐसे क्यों लेते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि गुडविल को आपने अपनी बुक्स में नहीं दिखाना है. वैसे ही अब वो बोल रहे हैं जो रिवैल्यूएशन, जो एसेट्स आपकी रिवैल्यू हुई हैं या जो लाइबिलिटीज आपकी रिवैल्यू हुई हैं, उनको भी बुक्स में नहीं दिखाना है. तो दोनों सेम ही चीजें हो गई. तो दोनों का प्लस करके फिर हम अपनी वही सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालेंगे. ये आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है, ये न्यू है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाली 1/15, 1/15, इन दोनों का सेक्रीफाइस आ रहा है और अनुपमा का गेन आ रहा है 2/15. ठीक है, तो मैंने जो अमाउंट लिया वो ये देखो कि 1,65,000 आ रहा था, तो 1,65,000 × 1/15 जो गेन था, 1,65,000 × 11,11, अब इन दोनों का सेक्रीफाइस है तो इन दोनों को पैसा मिलेगा और अनुपमा ने गेन किया है तो अनुपमा देगी. तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी,
अनुपमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितने से हो जाएगा आपका? अनुपमास कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000 टू अंशुज कैपिटल अकाउंट, टू अंजूज कैपिटल अकाउंट 22,11,11, ठीक है। इसके साथ साथ हम कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस दे रखा है हमें कि कैपिटल के बैलेंसेज दे रखे हैं, पहले हम कैपिटल अकाउंट में वो बैलेंसेज लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद ये देखो अनुपमास कैपिटल अकाउंट टू अंशुज कैपिटल अकाउंट टू अंजूज कैपिटल अकाउंट, अंशु और अंजू को दिया अनुपमा ने, देखो बाय अनुपमा अंशु को दे दिया, अंजू को दे दिया, और इधर से टू अंशु टू अनुपमा, टू अंशु टू अंजू, यहाँ पे अनुपमा के अकाउंट से हमने ले लिया 11,000 22,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व जो आपका दे रखा है उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल एंट्री हमें पता है इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अंशु टू अंजू टू अनुपमा इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या थी? 2:2:1, 2:2:1 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये भी हम अकाउंट में पोस्ट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व, ये तीनों को हमने दे दिया, ठीक है। और तो कुछ भी नहीं है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन भी हमने देख लिया। उसके बाद जनरल रिजर्व का जो करना था वो भी हमने कर दिया। रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमने रिकॉर्ड नहीं करनी थी तो हमने रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ उनका इफेक्ट हमने नेट इफेक्ट जरूर यूज कर लिया गुड सेक्रीफाइस या गेन निकालने के लिए। उसके बाद बैलेंस शीट में जब उन्होंने बोला कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स भले ही मेरे 2000 से कम हो गए थे, यहाँ पे देखो क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 2000 जो क्लेम नहीं होने थे, 65 से एक्चुअल तो क्रेडिटर्स मेरे 63 हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है रिकॉर्डेड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना है, चेंज्ड वैल्यूज को, तो 65 है तो मैं क्रेडिटर 65 दिखाऊंगी। बिल्स पेबल एज इट इज 7000 दिखा दिए हमने, और उसके बाद था आपको दे रखा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट ही कर चुके हैं। कैपिटल्स जो हैं यहाँ पे, जो कैपिटल्स लिखनी है वो जो हमारी यहाँ से निकल कर आएंगी, यहाँ पे जो हमारी नेट कैपिटल्स निकल कर आई हैं वो ये वाली, वो कैपिटल्स हम लिख देंगे। उसके बाद साथ में लैंड बिल्डिंग प्लांट ये सारा का सारा एज इट इज आपका आ गया, ठीक है, एज इट इज आपका आ गया, एज इट इज हमने लिख दिया, बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई 7,20,000 और 7,20,000। मतलब ये था सिंपली इसमें कि इन्होंने बोला था रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना है, रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। हमने नहीं बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ना ही रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड किया, पुरानी वैल्यूज पे हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को दिखाया है, बट जो उनका इफेक्ट था वो हमने जरूर यूज कर लिया सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालने के लिए। वो जो अमाउंट हम यूज करते हैं सिर्फ अब तक गुडविल का लेते थे, क्योंकि गुडविल की वैल्यू को हमें बुक्स में शो नहीं करना होता था, और अब साथ में आपको रिवैल्यूएशन की वैल्यूज को भी नहीं करना था, तो साथ में रिवैल्यूएशन का भी ले लिया, दोनों को हमने यूज कर लिया। क्लियर है ये? दैट्स इट, थैंक यू।